आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने प्रोग्राम में दो तरह से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। अभी तक जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे तो आपने उस पे देखा था कि हम डेटा टाइप लिखते थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और वेरिएबल का नाम, और हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे, राइट। अगर मान लीजिए जैसे हमें कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना होता था तो हम क्या करते थे, मैं लिखता था इंट एक्स और इस तरह से एक एक्स नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो जाया करता था, राइट। तो इस तरह से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहां पर हमने किया इंट एक्स या कैर सी या फ्लोट वाई, तो ये वेरिएबल कहलाते हैं स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन। जो ये वेरिएबल हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले वेरिएबल, इन वेरिएबल को जब प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो उसी टाइम पर डिसाइड कर लिया जाता है कि इन वेरिएबल्स को मेमोरी मिलने वाली है, राइट। तो जो भी हम ये वेरिएबल बनाते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख करके, उसे उन वेरिएबल को हम बोलते हैं, वो वेरिएबल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत आते हैं। ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं इन वेरिएबल का साइज फिक्स होता है। बाद में अगर हम चाहें तो इन वेरिएबल का जो साइज है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैटिक वर्ड यहां पर यूज किया जाता है, राइट। स्टैटिक मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कोई अरे बनाते हैं, मान लीजिए इंट अरे अगर हम बना लिए 10 साइज का, तो अब इस अरे का साइज थ्रू आउट प्रोग्राम 10 ही रहेगा। इस अरे के साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख करके हम वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। तो हमें रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत क्या है? तो अगर आप यहां पर देखें, जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले वेरिएबल होते हैं इनका साइज फिक्स होता है, और साइज फिक्स होने की वजह से प्रोग्राम रन करने के बाद अगर यूजर चाहता है कि वो कुछ ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट, जैसे यहां पर इस अरे का साइज 10 है, लेकिन अगर यूजर मान लीजिए 15 वैल्यूज इंटर करना चाहता है तो वो फिर 15 वैल्यूज को इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अरे में 15 इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो ये इनका साइज फिक्स होने की वजह से हम क्या करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। और जब हम कोई वेरिएबल डायनेमिकली बनाते हैं तो उन वेरिएबल्स का साइज हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही प्रॉफिट होता है जब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये जब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन से जो हम वेरिएबल बनाते हैं उन वेरिएबल की यही सबसे खास बात होती है। और ज्यादातर इस तरह से वेरिएबल हम डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में बनाते हैं, राइट। तो याद रखना, ये जो डायनेमिकली वेरिएबल हम बनाते हैं इन वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कुछ फंक्शंस होते हैं, मैलाक कैलाक फंक्शन। ये दो फंक्शन वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होते हैं। रीएलाक फंक्शन यूज किया जाता है अगर हम इन मैलाक या कैलाक फंक्शन के बने वेरिएबल का साइज चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तब हम रीएलाक फंक्शन का यूज करते हैं। और जो फ्री फंक्शन होता है वो मैलाक या कैलाक द्वारा बनाए गए वेरिएबल की मेमोरी को रिलीज करने के काम आता है। जो भी वेरिएबल हम मैलाक या कैलाक फंक्शन का यूज करके बनाते हैं वो वेरिएबल की में जो मेमोरी होती है वो थ्रू आउट प्रोग्राम तक रहती है, मतलब उन वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होती है वो थ्रू आउट प्रोग्राम तक होती है। जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता इन वेरिएबल की मेमोरी रिलीज नहीं होती है। और जब मेरा प्रोग्राम जो हम लिखे हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम, अगर वो प्रोग्राम इंड होता है तब इन वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है।
तो सपोज अगर मान लीजिए हमने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है इन वेरिएबल का, इन फंक्शन का यूज करके वेरिएबल, और उस फंक्शन का काम इंड हो जाता है, तो उस फंक्शन की में जो भी अदर वेरिएबल हैं, उस फंक्शन के अंदर जो भी हमने स्टेटिक वाले वेरिएबल बनाए हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज करके, वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि वो फंक्शन का काम इंड हो चुका है। लेकिन जो वेरिएबल हम मैलाक या कैलाक का यूज करके बनाते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो थ्रू आउट प्रोग्राम तक होती है। तो जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं होगा, ये वेरिएबल कंटिन्यूअसली उस फंक्शन में, मतलब मेमोरी में बने रहेंगे। और उस टाइम पर हमें इन वेरिएबल को यूज नहीं करना है। इन वेरिएबल का यूज हमें जो करना था वो हमने फंक्शन के अंदर कर लिया, और उस फंक्शन की मेमोरी क्या हुई, रिलीज हो गई। लेकिन ये दो वेरिएबल फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका फर्दर यूज हमारे प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो इसलिए हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर इन फंक्शंस का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो अपना काम हम फिनिश करने के बाद फ्री फंक्शन का यूज करके उन वेरिएबल्स की मेमोरी हम रिलीज कर देते हैं, राइट। तो जैसे ही फंक्शन का काम इंड होता है, जिस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाए होते हैं, तो इस फ्री फंक्शन का हम यूज किए होते हैं उस फंक्शन के अंदर, तो इन वेरिएबल, जो वेरिएबल हम इनका यूज करके बनाते हैं, उनकी मेमोरी भी रिलीज हो जाती है, राइट। थ्रू आउट प्रोग्राम तक हम नहीं रखते हैं उन वेरिएबल को, राइट, क्योंकि उनका काम इंड हो चुका है। जैसे हमारे फंक्शन का काम इंड होता है, तो उसी टाइम पर हम इनकी मेमोरी रिलीज कर देंगे। तो ये फ्री फंक्शन का काम होता है। तो ये बारी बारी से हम हर एक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी हमने देखा कि स्टेटिक मेमोरी वेरिएबल एलोकेशन के अंतर्गत कौन से वेरिएबल आते हैं, और डायनेमिकली जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो क्या होते हैं, राइट। तो जो स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन वाले वेरिएबल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इन पर्टिकुलर वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। जबकि जो डायनेमिकली वेरिएबल हम बनाते हैं मैलाक या कैलाक का यूज करके, रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है कि उनको मेमोरी मिलेगी, कंपाइल टाइम पर ये डिसाइड ही नहीं हो पाता है, ओके। तो ये डिफरेंस है एसएमए और डीएमए के वेरिएबल्स में, ओके, ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई है। अब बारी बारी से हम मैलाक, कैलाक, री एलाक एंड फ्री फंक्शन का यूज सीखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, राइट। तो हर एक पार्ट की लिंक, 3-4 पार्ट में हमने ये वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये इंट्रोडक्शन था एसएमए और डीएमए का, कि हम किस तरह से इनका इंप्लीमेंट करते हैं और क्यों करते हैं, राइट। डेफिनेटली हम अपने लेक्चर्स में इन हर एक फंक्शंस के जो सिंटेक्स हैं और इनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और इसके फर्दर लेक्चर्स आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।